सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। गाइस, यहाँ पे कुछ दिनों से कबड्डी को लेके कोई भी बड़े छोटे अपडेट्स निकल के नहीं आ रहे थे। अपडेट्स तो निकल के आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे बस गिने चुने एक दो अपडेट प्रो कबड्डी को निकल के आया है और एक इंटरनेशनल कबड्डी अपडेट आया है। सोचा मैं आप सभी के साथ ये अपडेट शेयर कर दूँ, एंड सिर्फ छोटे ही वीडियो होगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ तीन ही अपडेट आए। तो गाइस, वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है वो यहाँ पे पवन कुमार सहरावत को निकल के आया है। दोस्तों, यहाँ पे पवन कुमार सहरावत ने ऑफिशियली अपने सोशल हैंडल्स पे कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 8 में बेंगलुरु बुल्स के टीम की तरफ से खेलेंगे। उन्होंने क्या कहा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि जर्नी स्टार्टेड विद बेंगलुरु बुल्स ड्यूरिंग थर्ड सीजन एंड नाउ आई एम हैप्पी लेट यू ऑल नो दैट आई विल बी विद बुल्स अगेन फॉर माई 8th सीजन। यानी कि 8वां सीजन भी यहाँ पे पवन कुमार सहरावत बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेलेंगे। थर्ड सीजन थे, इन्होंने बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेलना स्टार्ट किया था एंड वो खुश है कि जो 8वां सीजन है PKL का, वो यहाँ पे अगेन बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से खेलेंगे। यानी कि आप समझ सकते हो जो रिटेंशन प्रोसेस है वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सभी टीम्स ने अपने सभी प्लेयर्स को अप्रोच किया है कि हम तुम्हें रिटेन करना चाहते हैं, क्या आप रिटेन होना चाहोगे, और यहाँ पे पवन कुमार सहरावत ने हाँ कर दिया है। इसलिए इन्होंने ऑफिशियली सोशल हैंडल्स पर भी अनाउंस कर दिया है। एंड इससे हम एक और चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्लेयर ने अनाउंस कर दिया तो यहाँ पे टीम्स भी बहुत जल्दी अनाउंस कर देने वाली है एक दो दिन के अंदर। एंड मुझे लगता है कि 21 तारीख से पहले जो रिटेंशन लिस्ट है हम सभी के सामने आ जाएगी, आखिर कौन सी टीम कौन से प्लेयर्स को रिटेन करेगी। ऐसे भी सुनने को आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे टीम रिवैम्प करने वाली है, यानी कि कोई भी प्लेयर को रिटेन नहीं करेगी एंड सभी प्लेयर्स यहाँ पे रिलीज होने वाले। इस पर भी टीम्स का बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है बिकॉज ये छोटे बड़े डिसीजन नहीं होते, बड़ा डिसीजन है कि हमें मेगा ऑक्शन में किसी का प्रिपरेशन करना है। इसलिए प्रो कबड्डी ने ज्यादा ज्यादा समय दिया कि आप ज्यादा सोचिए एंड जो रिटेन एंड रिलीज प्लेयर लिस्ट है वो यहाँ पे हमें जल्दी सबमिट कर दीजिए, यानी कि बहुत जल्दी हमें सारे रिटेन प्लेयर लिस्ट आ जाएगा। तो चलिए सर, बात करते हैं दूसरी भी अपडेट की। तो गाइस, जो दूसरा बड़ा अपडेट है वो यहाँ पे इंटरनेशनल कबड्डी को लेके है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि 2018 में कबड्डी एशियन गेम हुआ था एंड वहाँ पे ईरान की टीम गोल्ड मेडल जीती थी, साउथ कोरिया की टीम सिल्वर मेडल जीती थी एंड यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एंड में जाके यहाँ पे इंग्लैंड की हार हो गई थी 2018 में। अब दोस्तों, यहाँ पे 2022 में अगेन कबड्डी एशियन गेम खेला जाएगा। अब एशियन गेम में बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसमें कबड्डी भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर दोस्तों, जो 19th एशियन गेम होने वाला है वो यहाँ पे चाइना में होने वाला है, उसके लिए श्रीलंका की टीम ने अपनी मेन्स एंड साथ ही साथ वुमेन्स कबड्डी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि दोनों टीम्स के क्या स्क्वाड रहने वाली है, मेन्स की एंड साथ ही साथ वुमेन्स के। आप जो दोनों टीम्स है यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं तीसरी अपडेट की। दूंगा जो तीसरा अपडेट है वो यहाँ पे युमवा को लेके आया है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो अपडेट है वो यहाँ तो ऑलरेडी एक दो दिन पहले आ गया था कि यहाँ पे जो राजगुरु सुब्रमण्यन है वो यहाँ पे यू मुंबा के नए हेड कोच रहने वाले हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो हेड कोच है वो यहाँ पे यू मुंबा के, वो यहाँ पे डायरेक्ट जयपुर किंग पैंथर्स में इस सीजन ट्रांसफर हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ के आ रहा था कि यहाँ पे यू मुंबा के नए कोच कौन होने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर्मर ही प्लेयर जो यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 7 में राजगुरु खेले थे वो यहाँ पे PKL 8 के कोच रहने वाले, ऐसा र्यूमर निकल के आया था। अब यहाँ पे मैंने कई जगह कोशिश किया पता करने का, यहाँ पे पता चल रहा था कि यहाँ पे फेक है या फिर ये सही है, लेकिन एक चीज पता चला कि यहाँ पे अभी अंदर डिस्कशन चल रहा है, अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हम 60% मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे युमवा के जो नए कोच है वो यहाँ पे राजगुरु रहने वाले। अगर ये न्यूज सही होगा तो यहाँ पे बहुत कुछ ही दिनों में यहाँ पे ऑफिशियली युमवा की टीम अनाउंस कर देगी, लेकिन यहाँ पे हम 60% मान के चल सकते कि यहाँ पे युमवा एंड राजगुरु के बीच में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे जल्द ही राजगुरु एंड साथ ही साथ यहाँ पे युमवा की टीम ऑफिशियली अनाउंस कर देने वाली। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे चीजें जो यहाँ पे अंदर ही अंदर प्रोसेस हो रहा है एंड बहुत ही जल्दी यहाँ पे सब सही हो जाएगा, जो भी डाउट्स है सब है सब क्लियर हो जाने वाला है एंड बहुत ज्यादा हमें PKL ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ रिटेंशन लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। बस कुछ दिन और वेट करना है। एंड ऐसे ही दोस्तों, अगर कोई भी छोटे बड़े अपडेट्स निकल के आएगा मैं क्या करूँ, अगर आज के दिन या फिर दो या फिर तीन ही अपडेट निकल गया तो मैं कोशिश करूँगा कि वो दो तीन अपडेट पर ही सिर्फ वीडियो बना, अगर वो वीडियो छोटा ही हो सही, लेकिन यहाँ पे जो भी छोटे बड़े अपडेट्स है सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो गाइस, आपको वीडियो कैसे लगी एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोड़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।